बिंज ईटिंग का, यानी कि मतलब कुछ भी चटर पटर खाते रहते हैं, स्नैकिंग की हैबिट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑयली स्पाइसी फूड या मीठा स्वीट जो है वो बहुत हम ज्यादा खा लेते हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो इस ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन को कैसे आप एंजॉय करते करते अपने हार्ट को भी सपोर्ट कर सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो, यही सब कुछ हम आज के सेशन में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं ये हार्ट और उसका ऑर्गन जो ये है क्या काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हार्ट जो कि हमारे शरीर का एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे समय 24/7 पूरी बॉडी में ब्लड को कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है। क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का, सर्कुलेट करने का काम करवाता रहता है। अब इस दौरान अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली जंक फूड ये सब ज्यादा खाओगे तो उसकी वजह से धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ेंगे। चैलेंजेस कैसे बढ़ेंगे कि ब्लड में लिपिड्स की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, फैट की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, तो उस वजह से फिर हार्ट पंपिंग में इश्यू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू होंगे। दूसरा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से भी हार्ट पंपिंग में या ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए ब्लड को प्योर रखना चाहिए, उसमें सारी मात्रा जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे हेल्दी हार्ट को अफेक्ट करता है वो है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, हेल्दी सेल्स को बिल्ड करने के लिए रोजाना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, लेकिन उसमें से एचडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू एलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो दोनों ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन दोनों में खासकर एलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आप स्क्रीन में देख सकते हो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनके किनारे किनारे जो है वो ये फैटी डिपॉजिट जमना शुरू हो जाते हैं। इनके किनारे किनारे ये फैटी डिपॉजिट जमना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू आता है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है। स्पेशली अभी फेस्टिवल्स में और प्लस विंटर्स में ये चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। जी हाँ, विंटर्स में ये चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। आप देखिएगा ठंडियों में लोगों को ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी पड़ती है हमारी आर्टरीज जो है वो थोड़ी सिकुड़ने लग जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में इश्यू होता है, और इस वजह से ठंडियों में हार्ट इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारे हेल्दी हार्ट को अफेक्ट कर रहा है वो है ग्लूकोज हेल्थ या डायबिटीज। ये कब होता है? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू करती है। ब्लड में बढ़े हुए शुगर की मात्रा आपके नर्व्स को डैमेज करेंगी, ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगी जो आपके हार्ट तक जाती है। तो सोचिए जरा, हार्ट तक जाने वाली सभी ब्लड वेसल्स या नर्व्स अगर डैमेज होने लग जाएंगी तो हार्ट कैसे काम करेगा? सो दैट इज वाई यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा भी मेंटेन रहनी चाहिए, कंट्रोल्ड रहनी चाहिए। तीसरा चैलेंज जो आप सभी कई बार सुनते हैं देखते हैं वो है हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम, जो कि मेनली एक्यूट इवेंट्स होते हैं। किस वजह से हो रहे हैं? ब्लॉकेज की वजह से। जब आपके हार्ट से ब्रेन तक या बॉडी तक जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, दैट्स वेयर इट कॉजेज यू हार्ट अटैक्स। और इसके सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? इसके सबसे बड़ा मेन रीजन ये है ब्लड वेसल्स की इनर दीवारों पे फैटी डिपॉजिट्स जम जाना।
ना होने दें, हेल्दी डाइट को फॉलो करें, स्वीट्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो कहिए। इनफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब हमने भी दिवाली में भी क्या होता है, रिलेटिव्स क्या जा रहे हैं, रिश्तेदारों क्या जा रहे हैं, या घर में कोई आ रहा है तो जो है वो उनको स्वीट्स ऑफर करते थे, या फिर किसी के यहाँ जा रहे तो मिठाई लेके जाते थे। तो ये बदलाव जो है वो पिछले 4-5 सालों से हमने लाया है कि अब हम कहीं भी जो है वो किसी को मिठाइयां नहीं देते हैं, मिठाइयां नहीं देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं उनको, या फिर हम कुछ हैम्पर दे देते हैं, या फिर फ्रूट्स ले जाते हैं। घर में भी अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हम मिठाइयां ज्यादा सर्व नहीं करते, हम जो है वो उनको नमकीन ज्यादा सर्व करते हैं, या फ्रूट्स ज्यादा सर्व करते हैं, या ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं वो ज्यादा सर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये शुरुआत आप अपने घर से करोगे तभी जो है वो आप बाहर भी अप्लाई करोगे। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप सारा समय बैठे रहते हो, सारा समय जो है वो बैठे बैठे खाते रहते हैं, या सारा समय जो है वो बैठे बैठे काम करते रहते हैं, सारा दिन जो है वो या तो चेयर पे या सोफा पे या बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो इस फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी हार्ट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तीसरा, अल्कोहल कंजम्पशन या टोबैको कंजम्पशन, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन करते हैं तो उससे भी हार्ट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगला, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस या टेंशन, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपने हार्ट का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, टिप नंबर 1, प्रेफर करिए घर का बना हुआ खाना इंस्टेड ऑफ रॉ वेजिटेबल्स खा लीजिए, या फ्रूट्स ले लीजिए, या स्प्राउट्स ले लीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवनिंग के टाइम मुझे कई बार लगता है, फील होता है, क्रेविंग्स होती है कि अब लंच तो 2 बजे हो गया है, शाम के समय इच्छा होती है कि कुछ खाया जाए। एंड हमेशा मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, आई एंश्योर दैट कि ठीक है, मैं कभी इच्छा हो रही है तो एक आध बार हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं बाहर से फूड ऑर्डर करता हूँ शाम के समय। अदरवाइज नहीं तो 4-5 बजे का जो टाइम होता है उस दौरान मैं जो है स्प्राउट्स लेता हूँ, या फिर मूंगफली, रोस्टेड मूंगफलीज होती है उनको कंज्यूम करता हूँ, या रोस्टेड मखाना होता है वो कंज्यूम कर लेता हूँ। तीसरी चीज, लिमिट कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड, जितनी भी ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा शुगर एडेड है वो सारी चीजें कंज्यूम ना करें। अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड जितने भी होते हैं, जो ये पैकेज ड्रिंक्स, पैकेज फूड, पैकेज चिप्स, पैकेज बिस्किट, नमकीन, ये सब चीजें जो है वो अवॉइड करिए। उसमें मौजूद जो फैट होता है वो स्ट्रिक्टली आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा घर में, किचन में अगर सॉल्ट, नमक आप यूज करते हो, मैदा आप यूज करते हो, तो उसे अवॉइड करिए। शक्कर, नमक, मैदा, ये तीन चीजें जो है वो हमारे लिए जहर का काम करती है, स्लो पॉइजन का काम करती है, नमक, शक्कर, मैदा। अब इसका भी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आज सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो है वो मेथी के पराठे बने थे। अब मेथी के पराठे बने तो उसमें नमक डालना भूल गए थे, आटा लगाने के दौरान उसमें नमक डालना भूल गए थे। एंड जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे फीका लगा। तो एक बार मैंने बोला उन घर पे कि नहीं, इसमें नमक कम है, फीका लग रहा है, लेकिन अगले ही पल मुझे रियलाइज हुआ कि क्या ये इतना ही बुरा है क्या? अगर नमक नहीं है तो क्या बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है, या मैं नहीं खा पा रहा हूँ, ऐसा है क्या? अगले ही पल इमिजिएटली जो है वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया और मैंने बोला नहीं, अब आप आगे के भी सारे पराठे जो है वो मुझे ऐसे ही दे दीजिए, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी वो आटा लग चुका है, अब आप चेंज करोगे तो बेटर है कि मैं वैसे ही खाता हूँ आज। तो कहीं ना कहीं मैंने वो अवॉइड कर लिया आज मॉर्निंग में।
तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है कि आप अननेसेसरी के खाने में जो है नमक डालने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बहुत सारे लोग जो है वो फ्रूट्स जब लेते हैं, फल जब लेते हो ना, उसमें नमक छिड़कते हैं, साइड में नमक लेके फ्रूट्स खाते हैं। स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। सैलेड ले रहे हो, नमक डालते हैं ऊपर बहुत सारा। So, ये सारी चीजें जो है, और इवन अगर करना भी है तो घर में जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है या सेंधा नमक जो होता है ना वो प्रेफर करिए। ट्रांस फैट को अवॉइड करिए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में जो रेडीमेड चिप्स, बिस्किट, नमकीन, ये सब जितने पैकेज फूड आते हैं जिनको आप जनरली से खरीद के ला रहे हो, मैं देखता हूँ इतने बिग बाजार में, डी मार्ट में, रिटेल स्टोर्स में मैं देखता हूँ लोग ऐसे भर भर के जो है वो इन पैकेज फूड को खरीद के लाते हैं। फ्रोजन फूड आइटम को तो ऐसे हाथों हाथ खरीदते हैं जैसे घर में खाना ही नहीं है या फ्री में मिल रहा हो। अरे आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है, ये उन देशों का है जहां पे खेती नहीं होती है, ये उन देशों का है जहां पे अनाज नहीं होता है, ये उन देशों का है जहां पे खाने पीने के जो है वो अभाव है। आप एक ऐसे समृद्ध देश में रहते हैं जहां पे भरपूर मात्रा में आपको सारी चीजें अवेलेबल है, रोज आपको फ्रेश चीजें अवेलेबल है, फिर भी नहीं आपको बासी खाना खाना है, फिर भी आपको पुराना खाना खाना है। फ्रोजन पराठा, फ्रोजन सब्जी, फ्रोजन फ्राइज, फ्रोजन बर्गर, फ्रोजन टिकिया, ये सब क्या है? पुराने खाने जिनको प्रिजर्वेटिव डालकर सड़ने से बचाया जा रहा है। एग्री ऑर नॉट? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि यस, ये सारी चीजें जो हैं वो हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है, और हमारे पास तो इतना बढ़िया रोज डेली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल है, अनाज अवेलेबल है, रोज सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो हमें ये पुरानी बासी चीजें खाने की जरूरत नहीं है, हमें 2 दिन पुरानी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर अ चेंज प्लीज 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 अवॉइड करिए। बड़ा अजीब सा फील होता है जब मैं जाता हूँ वहां मॉल में और देखता हूँ वहां पे लोग ऐसे फ्रेंच फ्राइज के पैकेट, टिकिया के पैकेट ऐसे बास्केट में भर रहे होते हैं, चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट ऐसे बास्केट में भर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पिज्जा तो कंपल्सरी है ना, पिज्जा जो है वो कंपल्सरी है। मैं एक बेकरी शॉप में गया, बेकरी शॉप में मैंने उनको पूछा कि इनफैक्ट चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, मुझे बताइए कि मिठाइयाँ जो है वो, एक अच्छी मिठाइयाँ कितने रुपए किलो है, एक अच्छी मिठाइयाँ जो है वो कितने रुपए किलो है, और अगर हो सके तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिएगा सो दैट वी कैन इंटरैक्ट। रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से अगर हो सके तो अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा और बताइए मुझे कि मार्केट में ऑन एन एवरेज एक अच्छी मिठाइयाँ कितने रुपए किलो है, काजू कतली या कोई भी अच्छी मिठाइयाँ जो है वो ऑन एन एवरेज कितना रुपए किलो है, बताइए बताइए, चैट विंडो पे लिख के बताइए। ऑन एन एवरेज 600 से 800 रुपए किलो, राइट, 600 से 800 रुपए किलो ऑन एन एवरेज जो है वो मार्केट में सभी मिठाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, बेकरी शॉप में गया, बेकरी शॉप में मुझे वहां पे 1000 रुपए किलो का बिस्किट, ये जो कुकीज जिसको हम लोग बोल के इतना खुश होके खाते हैं ना, कुकीज कुकीज बिस्किट्स ये जो हम खाते हैं बेकरी से लेने के, 1000 रुपए किलो होती है वो एक्चुअल कॉस्टिंग। एप्पल क्या रेट है?
एप्पल, मौसम्बी, संतरा, ये सब ऑन एन एवरेज 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, मैक्स टू मैक्स 200 रुपए किलो, मैक्स टू मैक्स 200 रुपए किलो, फिर भी हमें वो महंगा लगता है, फिर भी हमें वो महंगा लगता है। लेकिन फेस्टिवल्स में दिखाने के लिए जो है वो हम 800 रुपए किलो की मिठाई लेके जाते हैं, जो कि कोई काम की नहीं आती है, सब एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, खाना प्रेफर नहीं करते हैं, खाना तो अनहेल्दी होता है। फिर कुकीज, बिस्किट जो आप खरीद के लाते हैं, बेकरी आइटम आप खरीद के लाते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए प्रेफर करिए, कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं तो पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, यही तो करते थे ना, पहले के जमाने लोग क्या करते थे, फल लेके जाते थे, अगर आपको याद हो। तो वही चीज को आगे कैरी ऑन करिए कि कहीं भी किसी के जा रहे हैं तो फ्रूट्स लेके जाइए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं आज आप लोगों को हाईलाइट करवाना चाह रहा था। आई एम श्योर आप सभी को मालूम भी होंगे, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग। और ये बेस्ट टाइम है जहां पे आप इसके बारे में लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं और खुद भी जो है वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस फेस्टिवल सीजन, इस दिवाली सीजन हम मनाने वाले हैं हेल्दी दिवाली। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, ये जो कुछ भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके सामने रखे हैं ये आप अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं मुझे? ये मेरे लिए नहीं होगा, ये आपके अपने लिए प्रॉमिस करेंगे। तो मैं हैंड रेस करके बताइएगा कितने लोग इस फेस्टिवल सीजन ये प्रॉमिस करते हैं कि आप इन चीजों को, आज जो कुछ भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप अप्लाई करेंगे। फास्ट फूड्स को अवॉइड करेंगे, जब भी कुछ मंचिंग की इच्छा हो रही है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे। शुगर, सॉल्ट और मैदा, ये तीन चीजों का कंजम्पशन कम कर देंगे, बंद कर देंगे। ट्रांस फैट को अवॉइड करेंगे, पैकेज्ड फूड, रेडीमेड फूड आइटम्स को अवॉइड करेंगे और हेल्दी फूड आइटम्स को प्रेफर करेंगे। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? 80 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने प्रॉमिस किया है, बाकी लोग जो है वो मिठाई वाले की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। और या तो आपकी खुद की मिठाई दुकान होगी, शायद इसलिए आप मना कर रहे होंगे। ग्रेट ग्रेट, प्लीज इसे जरूर करिएगा। एंड विद दिस, इसके अलावा ईट हेल्दी करने के साथ साथ स्टे एक्टिव। तो स्टे एक्टिव में आप क्या क्या चीजें करिए, अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम की शुरुआत करिए, हार्ट को अच्छे तरीके से हेल्दी रखने के लिए, फंक्शनिंग बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम की शुरुआत करिए। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं सर, कहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतना बिजी लाइफ रहता है, शेड्यूल रहता है। 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हो तो आराम से हो सकता है। शुरुआत करिए 15 15 मिनट से, धीरे से आधी आधी घंटे, फिर धीरे से एक एक घंटे की एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू हो सकती है। एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में बॉडी को वार्म अप जरूर करिए, कूल डाउन जरूर करिए। पानी का कंजम्पशन दिन भर करते रहिए, शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हार्ट हेल्थ के इश्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर मत रहिए, शूज जो है वो बहुत ज्यादा टाइट पहनकर मत रहिए। और ये सारी चीजें करने के अलावा एक छोटा सा काम बस और कर दीजिएगा, वो है बॉडी चेकअप। आप खुद सोचिए, इंडिया में इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक के इश्यूज हो रहे हैं, क्या हम उसे बचा नहीं सकते थे? अगर उन्होंने पहले ही अपना बॉडी चेकअप करवा लिया होता तो, अगर उनको अपना पहले ही पता चल गया रहता कि मेरा ट्रिग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तो इसीलिए यहाँ पे आप भी क्या कर सकते हो, अर्ली स्टेज पे साल में कम से कम एक या दो बार फुल बॉडी चेकअप करवाइए और उसमें अपने नंबर्स को, स्कोर को नोटिस करिए। जैसे कि शुगर टेस्ट, शुगर टेस्ट 2 बार होता है, एक खाली पेट होता है, एक नाश्ते के बाद होता है। तो खाली पेट आपका शुगर 100 से कम आना चाहिए और नाश्ते के बाद आपका शुगर जो है वो 140 से कम आना चाहिए, तब हम उसे नॉर्मल रेंज में कहते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका 2 स्कोर होता है, 120 80, अपर नंबर, लोअर नंबर, टॉप नंबर, बॉटम नंबर। तो ऊपर का नंबर 120 से कम होना चाहिए, नीचे का नंबर 80 से नीचे होना चाहिए। आसान भाषा में ऊपर का नंबर जो है वो आपका 100 to 125 के बीच में होना चाहिए,
ऊपर का नंबर आपका 100 to 125 के बीच में होना चाहिए और नीचे का नंबर आपका 70 to 90 के बीच में होना चाहिए। नीचे का नंबर जो है वो 70 to 90 के बीच में होना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, स्कोर आपका 180 से कम होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल स्कोर, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जब आप कराने जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में 180 से कम होनी चाहिए। बीएमआई आपका 19 से 24 के बीच में होना चाहिए। बीएमआई आपका 19 से 24 के बीच में होना चाहिए। और ये तो कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई है, इसके अलावा और भी पूरा फुल चेकअप होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को एनालाइज कर सकते हो और इमिजिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से एंगल पे काम करना है, कौन से ऑर्गन पे काम करना है और उसके साथ आप शुरुआत कर सकोगे। और ये जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया इसमें अगर कहीं भी अगर आपकी मेडिकेशन चल रही है या ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको फॉलो जरूर करते रहें, रेगुलर बेसिस पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। जो भी आप अपना बॉडी चेकअप करवाओगे उसकी रिपोर्ट को पहली वाली रिपोर्ट के साथ जरूर कंपेरिजन करें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनवरी में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ तो वापस से मैं जून जुलाई में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाऊंगा और उसको अपनी जनवरी वाली रिपोर्ट के साथ कंपेरिजन करूंगा, तो इससे मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी की कंडीशन कैसी है, स्टेटस कैसा है, और साथ साथ मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि 6 महीने से जो मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ उससे मुझे क्या फर्क पड़ा है, उससे मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और सारी चीजों के अलावा अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए इस फेस्टिवल सीजन अर्ली स्टेज से ईट हेल्दी तो करिए ही, स्टे एक्टिव भी रहिए, उसके अलावा सप्लीमेंट्स को ऐड करिए। सप्लीमेंट्स को ऐड करने से ये आपके हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के प्रभावों को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट है जो हम हेल्दी हार्ट के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा प्रोडक्ट विच इज सीएच बैलेंस। न्यूट्रोलाइट का सीएच बैलेंस जो है वो आपको बेस्ट तरीके का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दे रहा है। ग्रीन टी से लिए गए दो प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैटेचिन्स और थियोफ्लेविन्स, ये दोनों हमारे शरीर से एक्सेस फैट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो ये आपकी अतड़ियों में शुरुआत होती है, इंटेस्टाइन में इसकी शुरुआत होती है। तो जो भी खाना आपने खाया उस खाने से अगर बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो क्या करता है आपके गट में उसे बाइंड कर लेता है, बांध लेता है और उसे बॉडी में फैले बिना, बॉडी में स्प्रेड हुए बिना ही बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। और दूसरा काम शुरू होता है लिवर में। पहला काम शुरू होता है अतड़ियों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां पे वो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उसे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। और दूसरा काम शुरू होता है लिवर में। लिवर क्या करता है, ब्लड में अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है तो वो एलडीएल नाम के कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर लेता है बाइल नामक जूस बनाने के लिए। जो डाइजेस्टिव जूस होता है जो खाने को पचाने के लिए डाला जाता है, लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए लिवर क्या करता है ब्लड में एलडीएल नामक कोलेस्ट्रॉल को खींच लेता है जिससे ऑटोमेटिकली आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बैलेंस हो जाती है। और ये दोनों काम कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट लिया है। तो हर एक सर्विंग में आपको 395 mg ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है जो रोजाना कंज्यूम करने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा और हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करेगा। तो रोजाना इसकी दो सॉफ्ट जेल जो है वो रेकमेंड की जाती है, रोजाना इसकी दो सॉफ्ट जेल रेकमेंड की जाती है।
फिर आता है अगला प्रोडक्ट विच इज कोएंजाइम Q10 कॉन्सेंट्रेट। जी हाँ, CoQ10। CoQ10 या कोएंजाइम Q10 जो है वो ऑलरेडी हमारे बॉडी सेल्स में पहले से पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है ना, धीरे धीरे हमारे बॉडी सेल्स में इसकी मात्रा कम होती जाती है। इस कोएंजाइम Q10 का काम है हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करके देना। कोएंजाइम Q10 हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है, ऑर्गन्स को एनर्जी देता है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और इसीलिए ये पूरे शरीर के हर एक सेल में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ना ये हार्ट मसल्स में ही पाया जाता है। लेकिन आपके अनहेल्दी फूड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो क्या है, धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट आपके हार्ट सेल्स में ताकत नहीं होती है, हार्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, हार्ट में एनर्जी नहीं हो पाती है कि वो ठीक से फंक्शनिंग कर सके। हाँ, तो इसीलिए CoQ10 या कोएंजाइम Q10 जो है वो रिक्वायर्ड होता है हर एक बॉडी सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए और हार्ट को हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ CoQ10 दिया है, सबसे इजीली एब्जॉर्ब होने वाला CoQ10 दिया है। साथ में सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स भी, खट्टे फलों का रस भी डाला है एंटीऑक्सीडेंट्स का एडिशनल एडवांटेज देने के लिए। तो स्पेशली वैसे तो इसको 18 साल से ऊपर के लिए रिकमेंडेड है, बट खासकर इसे आप 40 50 प्लस वालों को तो कंपलसरीली रेगुलर कंज्यूम करवाइए हेल्दी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। 4 कैप्सूल रोजाना रेकमेंड करिए। फिर आता है अगला सप्लीमेंट न्यूट्रलाइट, सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल। इसके बारे में तो आप सभी को मालूम है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत ही मैजिकल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बैड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को बढ़ने से बचाता है, नेचुरल ब्लड थिनर का काम करता है, क्लॉटिंग या ब्लॉकेजेस होने से बचाता है। और क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सोर्सेस से ओमेगा 3 लेकर दिया जा रहा है, तो इजिली बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और काम करता है। तो इसकी रोजाना मिनिमम 1 सॉफ्ट जेल या मैक्सिमम 3 सॉफ्ट जेल जो है वो दिन भर में रिकमेंडेड है। ओके, मिनिमम 1 सॉफ्ट जेल या मैक्सिमम 3 सॉफ्ट जेल दिन भर में कंज्यूम करवाइए। स्पेशली खासकर ऐसे सभी लोग जो जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, या जो ओवरवेट हैं, या जिनको किसी प्रकार के जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज होता है, तो वहां पे आप रेगुलर बेसिस पे ओमेगा 3 का सेवन करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम जो भी सप्लीमेंट आज डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सप्लीमेंट हेल्दी हार्ट के लिए रिकमेंडेड है। ऑलरेडी अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, डिसीजेस है, या मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहां पे सप्लीमेंट क्लेम नहीं करता है, अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करके लें। इसके बाद आता है अगला प्रोडक्ट विच इज ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन कैसे मदद करेगा? तो बेसिकली जो सोया प्रोटीन होता है वो आइसोफ्लोवोन से भरपूर होता है। जितना ज्यादा आप बेहतर आइसोफ्लोवोन्स का सेवन करोगे, उतना ज्यादा हार्ट डिसीजेस होने का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा, मार्केट में बोला जाता है सोयाबीन खाना चाहिए, सोया मिल्क पीना चाहिए, रीजन बीइंग वो हमारे लिए बेहतरीन प्रोटीन का बेनिफिट देता है और हार्ट डिसीजेस होने का रिस्क भी कम करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए जाना जाता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, और हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए भी जाना जाता है। तो
इसीलिए इसे रोजाना जो है वो 1 या 2 चम्मच मिनिमम कंज्यूम करवाइए सभी लोग। खासकर ऐसे लोग जिनको आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, चटपटा खाने की क्रेविंग बार बार होती है, बार बार भूख लगती है, या बार बार कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है, ओवरवेट हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको रोजाना प्रोटीन की 2 चम्मच कंज्यूम करवाइए। और कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? तो न्यूट्रोलाइट फाइबर भी रेकमेंड किया जा सकता है। जी हाँ, हाई फाइबर फूड्स खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन खासकर आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया होता है। और जितना अच्छा स्वस्थ पाचन तंत्र होगा, उतना अच्छा आपके बाकी ऑर्गन्स रहेंगे। तो फाइबर जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर रहा है, जिससे खाना अच्छे से पचता है, कोई भी टॉक्सिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, अगर बॉडी टाइमली क्लीन नहीं होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, तो वो फैट और कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एज ए रिजल्ट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। विदाउट फेल रोजाना खाली पेट जो है वो फाइबर की 1 या 2 चम्मच रोज कंज्यूम करिए। और क्योंकि अपना फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और तुरंत एक्शन दिखाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन तो वैसे भी हमारा एसेंशियल सप्लीमेंट है, तो उसको आप देना चाहें तो मल्टीविटामिन को भी आप ऐड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट और है और वो है नेचुरल बीवी ईस्ट। नेचुरल बीवी ईस्ट जो है वो कैसे मदद करता है? तो कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में बी बी डेफिशिएंसी की वजह से भी कार्डियोवास्कुलर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बी विटामिन्स जैसे कि फॉलिक एसिड, बी6 बी9 बी12 जो है ना, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है। नाउ व्हाट इज होमोसिस्टीन? तो होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, जिसकी मात्रा अगर ब्लड में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्लॉटिंग या ब्लॉकेजेस का कारण बनता है, उसकी वजह से क्लॉटिंग या ब्लॉकेजेस हो जाती है। तो उस होमोसिस्टीन लेवल को नॉर्मल रेंज में बनाए रखने में मदद करते हैं B6, B9 और B12। साथ साथ आपके शरीर में सुस्ती, थकान, आलस को दूर करते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं ताकि आप एक्सरसाइज कर सके, फिजिकली एक्टिव रह सके, और साथ साथ बी विटामिन स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस नहीं हो, हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 7 एसेंशियल बी विटामिन्स एक ही सप्लीमेंट में, एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है। सो 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को इसकी रोज एक टैबलेट कंज्यूम करवाइए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतने सारे सप्लीमेंट लेना है क्या? नहीं, ये सारे के सारे सप्लीमेंट बताए गए हैं जो हेल्दी हार्ट के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका बजट कितना है, आपका क्या सूट करता है, उसके हिसाब से कोई भी 2 या 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर आप रेकमेंड कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे किसी को आपने फाइबर, ओमेगा 3 और गार्लिक दे दिया, फाइबर, ओमेगा 3 और गार्लिक दे दिया, तो वहीं किसी को आपने फाइबर, ओमेगा 3 और CH बैलेंस दे दिया, तो ऐसे करके मिक्स एंड मैच करके 2-3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर आप कंज्यूम करवाइए। पर इससे भी ज्यादा चीज जो जरूरी है वो है आपकी लाइफस्टाइल, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसमें एक्टिवनेस, उसको खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो विद दिस आई विश यू ऑल, इस फेस्टिवल सीजन को जो है वो आप हैप्पी ही नहीं बल्कि हेल्दी वाला फेस्टिवल सीजन मनाइए, और खुद भी फिट रहिए, लोगों को भी फिट रहने में मदद करिए। और ध्यान रहे, जो प्रॉमिस आप लोगों ने किया है वो प्रॉमिस मत भूलिएगा कि क्या क्या चीजें आप अवॉइड करेंगे।
तो मेरे एंड से ये ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो जब अब आपके जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, डाउट्स ऑन टुडे सेशन। हार्ट हेल्थ को लेकर कोई सवाल है तो पूछ।